दोस्तों अगर आप मार्केट में है एक 110cc प्रीमियम कम्यूटर बाइक लेने के लिए तो हीरो की स्प्लेंडर आईस्मार्ट प्लस 110 आपके लिए काफ़ी अच्छा चॉइस हो सकता है। दोस्तों एक तो ये स्प्लेंडर है, ऊपर से हीरो कंपनी की तरफ से है, और दोस्तों जब ये आईस्मार्ट प्लस एक 100cc इंजन के साथ और सिर्फ आईस्मार्ट का नाम से कंपनी ने लॉन्च किया था, तब इसमें कुछ टाइमिंग चेन प्रॉब्लम और कुछ क्लच प्लेट इश्यूज और इंजन के कुछ इश्यूज थे। तो हीरो का कहना है कि आईस्मार्ट प्लस वर्जन से उन्होंने ये सारे जो इश्यूज है ये कम्प्लीटली सुधार दिया है और अब ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। दोस्तों आईस्मार्ट प्लस 110 पहले भी था लेकिन अभी इसमें IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम ऐड कर दिया है जैसे कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के तहत। तो यहाँ पे आपको दो ब्रेक वायर्स मिलेंगे और बिल्कुल ही पीछे की ब्रेक दबाने से फ्रंट का ब्रेक भी पार्शियली एंगेज होकर आपको एक कॉम्बी ब्रेक की तरह कंबाइंड ब्रेकिंग का एक्सपीरियंस दे देगा। दोस्तों इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूँ आपका होस्ट अरिजित। अगर आप इस चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा के द बंगाल राइडर फैमिली से जुड़ जाइए। दोस्तों अगर आप फ्रंट से देखें तो यहाँ पे एक ब्लैक वाइजर के साथ फुल्ली हैलोजन यूनिट एक मिलता है विथ 2 पायलट लैंप्स और जो इंडिकेटर्स है ये नॉन फ्लेक्सिबल टाइप है लेकिन काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ आता है। दोस्तों यहाँ पे 35x35 वॉट हैलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है। इंडिकेटर्स अगर यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता तो और भी अच्छा होता। हैंडल बार और स्विच गियर को अगर देखें दोस्तों तो हैंडल बार टेक्सचर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। अपलिफ्टेड हैंडल बार दिया गया है ताकि आप कम्यूटरिश पोजीशन में आराम से बैठ सके। स्विच गियर क्वालिटी मुझे यहाँ एवरेज लगा है, और भी बेटर हो सकता था। और यहाँ पे आपको पहले से ही एकदम फर्स्ट वर्जन से ही आईस्मार्ट यानी कि i3s जो सिस्टम है आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम वो हीरो के पहली इसी बाइक से स्टार्ट हुआ था। मीटर कंसोल एक डिजिटल और एनालॉग का कंबाइंड यूनिट है। डिजिटल में आपको ट्रिप मीटर और ओडोमीटर मिल जाएगा और एनालॉग में स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक को अगर देखें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कंप्लीट बाइक में ही ड्यूअल कलर यानी कि ड्यूअल टोन फिनिश का यूज़ हुआ है। एक लंबी सीट यहाँ पे दिया गया है कम्यूटरिश पोजीशन में आप अगर बैठ सके, और पिलियन और राइडर दोनों के लिए ही ये सीट काफ़ी आरामदायक है। टैंक के ऊपर भी ये सीट एक्सटेंड करता है तो दो लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं। आईस्मार्ट प्लस का साइड में यहाँ पे स्टिकर देखने को मिल जाएगा, ड्यूअल टोन फिनिश मिल जाएगा। दोस्तों अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 8.5 लीटर्स का है और 1.4 लीटर इसका यूजेबल रिजर्व है। दोस्तों आप देख सकते हैं साइड पैनल से लेकर टेल सेक्शन तक ये ड्यूअल टोन जो कलर स्कीम है वो एक्सटेंड हो जा रहा है और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। पीछे की तरफ अगर देखें तो स्प्लिट टाइप यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। पीछे की तरफ भी आपको ड्यूअल टोन फिनिश देखने को मिल जाएगा। LED बैक लैंप मिलेगा और जो पीछे का जो इंडिकेटर्स है वो भी फ्रंट की तरह ही काफ़ी शार्प लुकिंग है लेकिन नॉन फ्लेक्सिबल क्लियरेंस टाइप है। और दूर से अगर इल्यूमिनेशन की बात करें तो इल्यूमिनेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे इंजन पे आते हैं तो ये वही इंजन है जो हीरो अपने सारे 110cc बाइक्स में यूज़ करता है। दोस्तों ये एक सेमी वर्टिकल सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड 109.15cc का इंजन है जिसमें पावर है 9.5 PS एट 7500 RPM और टॉर्क दिया गया है 9 न्यूटन मीटर्स एट 5500 RPM। इंजन काफ़ी यहाँ पे रिलायबल मुझे लगा और इसका जो रिफाइनमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अगर हम इसका टॉप स्पीड और माइलेज की बात करें तो टॉप स्पीड यहाँ पे लगभग 90 से 100 के बीच में आपको मिलेगा और माइलेज 60 से लेकर 65 के अंदर आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। कम्प्लीटली ब्लैक फिनिश में ये इंजन दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे अगर ब्रेक लीवर को आप देखें तो ब्रेक लीवर पे एक छोटा सा गार्ड दिया गया है ताकि आपके पैर इंजन में लगकर बर्न इंजरी होने से बच जाए। दोस्तों आते हैं सस्पेंशन पर, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाएंगे। और टायर्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही तरफ 80x100 18 इंच के ट्यूबलेस टायर्स यूज़ होता है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों 80x100 18 इंच के ट्यूबलेस टायर्स, रिम स्ट्राइप्स दिए गए हैं व्हील के ऊपर जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रंट की तरफ आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। अच्छा होता कि अगर इसमें एक डिस्क ब्रेक का ऑप्शन रहता लेकिन कोई भी यहाँ पे डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, आपको अगर लेना है तो ड्रम ब्रेक में ही ये मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कंप्लीट व्हील को देख सकते हैं, फुल्ली ब्लैक फिनिश में आता है और साइड में कुछ रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं। पीछे की तरफ अगर देखें तो 5-स्टेप एडजस्टेबल स्विंग आर्म हाइड्रोलिक सस्पेंशन ड्यूअल सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाएगा रेड कलर के स्प्रिंग्स के साथ जो कि देखने में बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट दे देता है। और पीछे भी हमें 110mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। IBS सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले ही कह दिया कि IBS सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एग्जॉस्ट को अगर देखें तो एग्जॉस्ट के ऊपर भी ग्लॉसी ब्लैक कलर के प्लेट लगे हुए हैं जो हीट शील्ड के हिसाब से काम करता है।
दोस्तों अगर हम व्हील बेस को देखें तो 1245 mm का इसका व्हील बेस दिया गया है और सीट हाइट जो है वो 785 mm है, जो कि बहुत मीडियम एंड शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कर्व वेट को अगर देखें यानी कि वजन जो है वो 115 kg का है, जो कि मुझे लगता है बाइक के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है। अब ये बाइक जो है ये बहुत ही एक स्लीक लुकिंग बाइक है और जो स्लीक प्रोपोर्शन पे भी ये बना हुआ है, तो आप इजीली इसको ट्रैफिक में और बहुत ही टाइट सिटी रोड्स के अंदर, सिटी ट्रैफिक के अंदर आराम से चला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मुझे फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छा लगा है और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जो टाइमिंग चेन का इशू था वो पहले से अभी काफ़ी सुधार दिया गया है। और ये जो व्हील कवर आप चेन कवर आप देख रहे हैं, ये चेन कवर प्लास्टिक का है, ये भी थोड़ा सा वेट रिडक्शन में मदद करता है। दोस्तों माइलेज तो मैंने आपको बताया कि 60 से लेकर 65 किलोमीटर्स के बीच में अप्रॉक्सीमेटली माइलेज यहाँ पे मिल जाएगा। और हीरो की अगर हम बात करें एज अ ब्रांड, तो हर जगह पे आपको इसका सर्विस सेंटर्स मिल जाएंगे और जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी हर जगह पे अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम कंपटीशन की बात करें तो 110cc में अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और TVS रेडियन, बजाज के प्लैटिना एज गियर, डिस्कवर 110, हीरो की, होंडा की ड्रीम सीरीज़ के जो बाइक्स है, होंडा लीवो, सेलुटो RX, इन सब बाइक्स के साथ इसका जो है कंपटीशन है। और ये जो बाइक है ये मुझे लगता है कि एज अ ब्रांड और स्प्लेंडर के नाम से इसको हीरो मार्केट कर रहे हैं, तो काफ़ी है एक अच्छा प्रोपोजिशन आपके लिए होने वाला है अगर आप एक प्रीमियम कम्यूटर बाइक चाहते हैं तो, और वो भी एक अच्छे जो रेपुटेबल ब्रांड है उसके अंडर में। और दोस्तों अगर हम एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता की बात करें तो ये जो IBS मॉडल आप देख रहे हैं इसका जो एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता है वो 57,930 rupees है। ऑन रोड प्राइस के लिए आप ज़रूर आपके जो नियरेस्ट हीरो के डीलरशिप है वहाँ कॉन्टैक्ट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं फिर कभी किसी नए वीडियो के साथ, टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।